हेलो गाइस, मैं केशव स्वागत करता हूँ आपका जीके बास्केट में। एंड गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि रेलवे का फॉर्म भरने वाले थे। यू नो वेरी वेल कि रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली थी 26,502 असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है, एंड टेक्नीशियन के लिए, और 62,907 ग्रुप डी पोस्ट के लिए। तो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आपने पहले जाना होगा कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने एएलपी का 17,673 एंड टेक्नीशियन का 8,829, यानी 8,829, और टोटल पोस्ट कितना था, 26,502। और इनके लिए जो एज लिमिट थी वो आपको अच्छे से पता है, 18 से 28। और ये एक साइड आप देख रहे हो ग्रुप डी की पोस्ट, ये कितनी थी, 62,907। तो इनके लिए भी जो एज लिमिट थी वो 18 से 28, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा प्रोटेस्ट किया गया एस्पिरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो, हम चाय पकौड़ा नहीं बेचेंगे। तो इतने सारे एस्पिरेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि हम लोग जो तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने एज लिमिट आपने डिक्रीज कर दिया। हमेशा से एज लिमिट बढ़ के आया है, यानी यार जो 30 होता था और आपने कितना कर दिया, 18 से 28 कर दिया। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ अक्रॉस इंडिया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये ट्वीट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट ड्राइव नेशनल ट्रांसपोर्टर इंक्रीजेस अपर एज लिमिट बाई 2 ईयर्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अब जो 28 था, 28 से कितना हो गया, 28 से 30 हो गया। तो यहां पर याद रखना कि अब आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, 12 मार्च लास्ट डेट है, तो प्लीज आप लोग फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज निकाला है कि आरआरबी रिक्रूटमेंट 2018 इंपॉर्टेंट अपडेट, एज लिमिट्स रिलैक्स, एग्जामिनेशन इन रीजनल लैंग्वेज चेक हियर। तो देखो, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या निकाला है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक न्यूज है। तो देर इज एक्सीलेंट न्यूज फॉर कैंडिडेट एस्पायरिंग टू अपियर इन द वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट एट प्रेजेंट। एज पर द ऑफिशियल अपडेट फ्रॉम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, द अपर एज लिमिट फॉर एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस कैटेगरी हैज बीन फर्दर रिलैक्स। तो कितना रिलैक्स किया गया, देख रहे हैं, अपर एज लिमिट 26,500 तो एएलपी था और टेक्नीशियन की पोस्ट थी, उनके लिए कितना, 28 से 30 कर दिया गया। सिमिलरली कह रहा है कि ग्रुप डी की पोस्ट थी 62,907, उनके लिए कितना कर दिया, उनके लिए भी 30 ईयर्स कर दिया। कितने से, 28 ईयर्स। पहले कितना था, पहले 28 था, अब कितना कर दिया, अब 30 कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है ऑल्सो द आरआरबी हैज ऑफिशियली अनाउंस द एग्जामिनेशन वुड ऑल्सो बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज। अब एक अच्छा चीज और कर दिया कि आप रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। पहले हिंदी और इंग्लिश होता था, लेकिन अब आप मलयालम, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, बांग्ला एंड अदर्स लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज होगी, तो अब उन अभ्यर्थियों के लिए भी रिलैक्सेशन हो गया जो कि हिंदी इंग्लिश में जानकारी नहीं रखते थे, ठीक है, उनको ये लैंग्वेज नहीं आती थी, तो अब रीजनल लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकेंगे। तो बहुत अच्छा किया रेलवे मिनिस्ट्री ने। द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर प्रोटेस्ट इन बिहार एंड केरला। आफ्टर प्रोटेस्ट इन बिहार एंड केरला, द रेलवे और मिनिस्ट्री मंडे रिलैक्स द अपर एज लिमिट ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस कैटेगरी एंड सेट द ऑप्शन ऑफ टेकिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जाम इन रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग बांग्ला एंड मलयालम वुड बी मेड अवेलेबल। और साथ में आप देख सकते हैं एज लिमिट कितना हो गया है। इन अ स्टेटमेंट द रेलवे सेड, क्या कहा, द एग्जाम फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट द रिवाइज अपर एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी कितना हो गया है, 30 साल कर दिया गया है। किससे, 28 से। एंड ओबीसी के लिए कितना कर दिया गया है, 31 से 33 कर दिया गया है। और एससी के लिए कितना कर दिया है, एससी कैटेगरी के 33 से 35, यानी जनरल के लिए 28 से 30 हो गया। और आप यहां पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए कितना कर दिया, 31 से 33 कर दिया। और एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं कितना हुआ, 33 से 35 हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज प्लीज, तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज फॉर्म फिल कीजिएगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।